शीश मंदिर जो कि अभी खुला हुआ है। शीश महल बंद हो चुका है, शीश महल को बेच चुके हैं और शीश महल में अब मार्केट एक खुलने वाली है। और शीश मंदिर के अंदर कौन सा मंदिर है? कांच मंदिर। कांच मंदिर के अंदर मोबाइल जाना मना है, जूते चप्पल बाहर। और जैन धर्म का मंदिर है, जैन टेम्पल है ना। यानी रजवाड़ा यही है ना? और पार्किंग कहाँ पे है? एंट्री भी तो सही है। अभी मैं हूँ रजवाड़ा पैलेस के अंदर और ये एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इसके अंदर सारी हिस्ट्री होलकर डायनेस्टी की। इंदौर के जो पहले राजा थे वो थे मल्हार राव होलकर प्रथम। इन्होंने इंदौर के सबसे पहले राजा थे और ये होलकर डायनेस्टी की कैपिटल थी जो कि 1725 में बसाया गया था। और इस राज्य की सबसे मशहूर और सबसे पराक्रमी रानी जो थी वो थी देवी अहिल्याबाई होलकर। मेरे पीछे यहाँ पे ये 56 दुकानें हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है और ये इंदौर की काफ़ी फेमस इडली है। चलते हैं, कुछ खाया जाए, भूख लग रही है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? कॉफ़ी, गरम गरम गराड़ू, गरम गरम गराड़ू। और ये सारी मार्केट यहाँ पे खाने वाली। यम यम पाव भाजी। अबे चुप हो जा। ज़्यादातर स्नैक्स, खाने पीने की चाट पकौड़ी, मोमोज, यही सब चीज़ें मिलती हैं। और अब चलते हैं यहाँ से आगे। आ गए वापस कमरे पे। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। इंदौर शहर बहुत अच्छा था, घूम के मज़ा आया। मैंने देखा शीश महल जो कि अब बंद हो चुका है और उसके अंदर पूरा एक मार्केट बनाया जा रहा है नया, तो उसके अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कांच मंदिर जो उसके बगल में ही है। तो कांच मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, सब कुछ बंद रहता है, फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं।
फिर देखा मैंने रजवाड़ा, तो रजवाड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसमें पूरी होलकर डायनेस्टी की हिस्ट्री दे रखी थी उन्होंने, एक म्यूज़ियम बना रखा है। आगे के हिस्से में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से वो पूरा बंद था, और पीछे जो म्यूज़ियम था वो ही सिर्फ विज़िट कर सकते थे। वो विज़िट किया, थोड़ा बहुत खाया पिया 56 दुकान पे, और भी वापस कमरे पे। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कल सुबह निकलना है ओंकारेश्वर के लिए। बाय, सुबह मिलते हैं।